क्षेत्र में है जहां हमारे आदिवासी बसे हुए हैं। इतना ही नहीं, देश के उपजाऊ भूमि इस इलाकों के अंतर्गत आ रही है और भविष्य में अन्न संकट भी पैदा हो सकता है, इसलिए हम यह इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निषेध करते हैं। आठ, ऊपर दिए गए सभी बिंदुओं को लेकर लोग और प्रकृति को बचाने के पक्ष में सामाजिक कार्यकर्ताओं पर सरकार दमन बढ़ा रही है। इतना ही नहीं, राष्ट्रद्रोह भी घोषित कर रही है। इस महासम्मेलन के माध्यम से हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि राष्ट्र और सरकार दोनों अलग अलग है और सरकार के नीतियों का विरोध करना या सरकार को बदल देना यह लोकशाही व्यवस्था में लोगों का मूलभूत अधिकार है। इसलिए हमारे जो हजारों बेगुनाह लोग जो जेल में है उन्हें तुरंत जेल में से मुक्त करने का अनुरोध करते हैं। नौ, पिछले साल के अनुभव से हमारे महिला और बच्चों के ऊपर हो रहे उपेक्षा शोषण हिंसा समाधान के लिए समाज खुद संकल्प करे ऐसा महसूस हुआ है। इसलिए आज हम महिला पुरुष एवं बच्चों के प्रति उपेक्षा शोषण एवं हिंसा ना करें और ना होने देने के लिए दृढ़ संकल्प करते हैं। दसवां नंबर, हमारा यह 25वां साल शुरू हो रहा है, इसलिए इस साल में हम लोग गांव, जिला, राज्य, देश और दुनिया में आदिवासी समुदायों को हमारे मूलभूत पारंपरिक संवैधानिक राजनीतिक अधिकार के प्रति जागृत करना और संगठित करने का संकल्प लेते हैं। गुजरात के सब पुढ़ारी यहाँ पे खड़े हैं जो कि कार्यक्रम करने वाले हैं। 25वां सम्मेलन जो कि हमारे आदिवासियों के लिए एक निर्णायक सम्मेलन बनेगा और एक यादगार सम्मेलन बनेगा, ऐसी हमारे साथियों की सोच है। और वो नर्मदा जिला में होने जा रहा है जहां पे सबसे बड़ी आदिवासियों की तकलीफें है, जहां डैम से हमारे आदिवासी विस्थापित हुए। अभी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सरदार का 121 फीट का मीटर का पुतला बन रहा जा रहा है और 182 मीटर का, और वहां से इसके कारण 70 गांव विस्थापित हो रहे हैं। यानी कि एक पुतले के लिए हमारे आदिवासी यहां तहां कर दिया जाएंगे। लेकिन हम इस सम्मेलन से इन लोगों को चैलेंज नहीं करेंगे, चैलेंज नहीं करना चाहते। लेकिन जिन आदिवासियों की जो जीवन है वो अगर बचाओगे नहीं और इस तरह से काम करोगे तो हम तो नहीं रहेंगे, आप भी नहीं रहेंगे, वो बताने का काम ये सम्मेलन करेगा। तो ये सम्मेलन हो रहा है। जा भावे छाया मोर नावे आदिवासी ने पुर्यारे। करीब 40 कला पथक का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ है। हर एक कला पथक को अगर 10-10 मिनट दिए तो कितने घंटे हो जाएंगे। 5 से 6 मिनट में हमारा नृत्य है, ज्यादा से ज्यादा अदाकारी उसमें दर्ज करें। Hollywood,
हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे सिंगा भाई वसावा। सामूहिक प्रभु टोकिया जी का तैयार है।
मदनलाल सोलंकी सेंधवा एमपी से ढोल मादल नृत्य तैयार है। खिमाराम जी अंतरराष्ट्रीय वीणा वाद्य के कलाकार है, उन्हें अनुरोध है कि वो स्टेज पे आके अपनी कलाकृति दिखाएं। बदा बदारो
रतलाम मध्य प्रदेश स्तुति देने आ रही है। हमारे सभी आदिवासी युवा भाइयों और बहनों का इस राजस्थान की पवित्र भूमि में आप सब का अभिनंदन है। आदिवासी रक्षा जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिवासी रक्षा जिंदाबाद जिंदाबाद, हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। अभी तो ये आगे लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हम भारत जैसा कि विकसनशील देश है, ये तो विकास के नाम पर जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन है पर कब्जा करना है, और उसके वो कब्जे से जो माल उत्पादित करना है जग भर, उन्हें अपने अपने बाजार में कब्जा करना है, ये विकास की नीति है। और इस प्रकार के विकास की नीति को हम विरोध करते हैं, ये हमको समझना चाहिए। प्रभु टोकिया जी
वाकई टोपिया जी है। आदिवासी एकता परिषद की विचारधारा क्या है? जितने जैसे मैंने समझाया आदिवासी एकता परिषद की पिछले से 7 साल में, और से 7 साल में हमने दूसरे क्षेत्र में तो काम नहीं किया, लेकिन हमारे विस्तार में यूनियन टेरिटरी दादरा नगर हवेली जो एक संघ शासित प्रदेश है, और आप जिस कानून की बात कर रहे हो इसमें से एक भी कानून हमारे विस्तार में नहीं है। पूरे भारत में आदिवासियों के लिए जो कानून की बात आती है, कानून की बात कर रही है, हमारे उधर एक भी ऐसा कानून का अमलीकरण नहीं है या ऐसा कानून बना नहीं है हमारे लिए। आज दादरा नगर हवेली में आदिवासी एकता परिषद की जो विचारधारा संगठन चल रहा है, यहाँ पर जितने भी पक्ष हैं या जितने भी संगठन हैं, सारे के सारे हमारी विचारधारा को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो मेरे युवा से अपील है कि संविधान की बात आती है या हमारे हक अधिकार की बात आती है तो हमको हमारे किसी का भी विरोध नहीं करते हुए सभी वर्ग को एक मंच पर अगर लाना है तो हमारे युवाओं को समझना पड़ेगा। हमारी बहन रंजना ताई की टीम बोर्डिंग महाराष्ट्र। जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता उस समाज को नष्ट करने के लिए दुश्मनों को जरूरत नहीं पड़ती। इसी मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ने पूरा इतिहास आपके सामने रखा है, क्योंकि बिना इतिहास के समाज का विकास नहीं हो सकता है। लेकिन आदिवासी एक जाति है जिसमें हम पैदा होते हैं तो हमें गर्व होता है, क्योंकि हम इस देश के राजा हैं। हमें जल जंगल जमीन ये हमारी है, ये जल जंगल जमीन हमारी है। इस देश में दूसरी जाति में पैदा होते हैं वो व्यक्ति भिखारी के समान है। एडवोकेट भाई अभिजीत सिंह हमारे बीच में है। आदिवासी एकता परिषद की जो बात आती है और युवाओं की बात आती है, कुछ युवा कार्यक्रम प्रोग्राम में एंजॉय करने के लिए आते हैं, कुछ युवा कुछ लेके जाने के लिए भी आते हैं, और मैं तो चाहता हूं ऐसे युवा अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए यहां आए। भाई भवनलाल जी दरबार, आज पूरे देश भर में जल जंगल जमीन का इश्यू तो है ही है, लेकिन रिजर्वेशन का इश्यू बहुत बड़ा है। मैं जो आदिवासी परिवार की टीम और इसके आधार पर जो जनजागरण का हम लोग इस इलाके में 15 जिलों में काम कर रहे हैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं बोलूंगा। आरक्षण के बारे में कुछ बातें बोलना चाहता हूं जो राजस्थान में आजकल जो हो रहा है। गैर आदिवासियों को भी आदिवासी घोषित करने का षड्यंत्र किया गया, क्या यह बात भारतीय संविधान आर्टिकल 244(1) अनुच्छेद 13(3) का के आधार पर वैधानिक है या अवैधानिक है, संवैधानिक है या असंवैधानिक है? क्या यह कृत्य संविधान विरोधी था कि संविधान सम्मत था? तो संविधान का विरोधी होता है देशद्रोही होता है, देश प्रेमी होता है? इतनी भी बात हमारे लोगों के अकल में नहीं आई। सेक्शन 91 और 92 के अनुसार ये जो शेड्यूल एरिया है वो 100% आदिवासियों के लिए रिजर्व है, ये बोला है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानून होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के विरोध में राजस्थान में काम हुआ या नहीं हुआ? सुप्रीम कोर्ट के विरोध में काम हुआ, संविधान के विरोध में काम हुआ। ग्राम सभा के माध्यम से इतनी बड़ी कंपनी को पर्यावरण डिपार्टमेंट को चुका दिया और वेदांता जजमेंट आया, उसमें कहा गया न लोकसभा न विधानसभा सबसे ऊंची ग्राम सभा, तो हम लोगों को ग्राम सभा बनानी होगी।
नहीं होगी, आदिवासी का विस्थापन होता रहेगा, क्योंकि आदिवासी को आत्मनिर्भर बनाना है तो एग्रीकल्चर हर हाल में होना चाहिए। यह हमारी कम्युनिटी को आत्मनिर्भर बनाने वाली सोच है। अगले वक्ता डॉक्टर मान सिंह जी नीनामा साहब पधारे। साथियों, निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि इस अवसर पे हम लोगों को जाने वाली चुनौतियां हैं, किन किन मुद्दों पे हमको काम करना है, आने वाला समय हमारे कैसा होगा और युवा इसमें युवा क्या भूमिका निभाएंगे, इन सारी बातों पे हम काम करने की कोशिश करेंगे। अमर सिंह भाई, श्री अमर सिंह भाई चौधरी साहब गुजरात। मैं यही चाहता हूँ कि पूरे देश के आदिवासी एक मंच पे साल में एक दफे इकट्ठे हो और आपका संख्या बल बता दो उनको। आज हम पूरे देश में एक ही काम करना है, चाहे किसी भी पार्टी में हो, कहीं पर हो, स्वर्ग में हो, नर्क में हो, कहीं भी हो, लेकिन सबको एक होना है आदिवासी को प्रश्नों के लिए। आने का शुरू हुआ, अपने आप आके काम करने लगे और पूरे दिन उन्होंने काम किया है। किसी को पूछा नहीं हम क्यों काम कर रहे हैं, ये समाज की सेवा है। आदिवासी एकता परिषद यही काम चाहती है, किसी का विरोध नहीं करती। एक दिन का समय मिलता है हमें यहाँ बात रखने की, हम सभी को वो नहीं दे पाते, इसलिए आदिवासी एकता परिषद क्षमा चाहती है। सबको बोलने का मौका नहीं दे सकते, इसलिए हम माफी चाहते हैं, लेकिन सही काम यही है। अगर समाज की सेवा करते हो तो नीचे अंदर से काम करो, किसी को पता भी नहीं चले कि हम काम कर रहे हैं और इतना बड़ा जुलूम इकट्ठा हो जाए, वो काम आदिवासी एकता परिषद का है। डॉक्टर के दामोर जल्दी आए। आदिवासी एकता परिषद ने जो सांस्कृतिक महासम्मेलन चालू किया है, इसका मकसद देश के कोने कोने से हमारे समाज के लोगों को एकत्रित करके हमारी संस्कृति को जगह जगह बिखेरना है। जो हमारी संस्कृति विलुप्त हो जा रही है, वो इस मंच के माध्यम से इसका संस्कृति का विकास होता है। भाइयों और बहनों, हम कहते हैं कि आदिवासियों का किसी ने इतिहास नहीं लिखा, तो मैं कहना चाहूंगा आदिवासियों का कोई इतिहास नहीं लिखा तो हम क्या कर रहे हैं। हम खुद को तो लिखना चाहिए ना। हमारे जो मौखिक साहित्य है, हमारे गीत पूजा विधि के साहित्य, हमारी संस्कृति में जो रीति रिवाज है, उन पर ही हम अगर लिखे तो वही हमारा इतिहास बनता है। 24वां आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन अब धीरे धीरे संपन्न होने जा रहा है। इतने बड़े सम्मेलन का संपादन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, और उस चुनौती को राजस्थान के साथियों ने स्वीकार किया और अंजाम तक सफलतापूर्वक पहुंचाया। मैं तालियों की गड़गड़ाहट से राजस्थान के कार्यकर्ताओं का सम्मान करना चाहता हूं। यह कार्यक्रम कोई छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं होता है। इस कार्यक्रम के ऊपर देश और दुनिया के लोगों की व्यवस्था और लोगों की नजर होती है। इन हालातों में इस कार्यक्रम को सफल करना एक अपने आप में सफलता है। और आदिवासी एकता परिषद ने जो बीड़ा उठाया है कि दुनिया के चिंतनशील, मननशील और रचनाशील लोगों को इकट्ठा करना है, तो उसको हम अंजाम तक पहुंचा कर ही रहेंगे। बिल्कुल, पेपर में जाएगी। आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद।